राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री भाजपा प्रदेश सह चिटनेस विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने आज पत्रकारों से संवाद साधा। इस दौरान बावनकुले बोले, ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त और राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरपंच जनता से हो, नगर अध्यक्ष भी जनता ही चुने, ऐसी मांग बावनकुले द्वारा शिंदे सरकार से की गई है। इस चुनाव प्रणाली में यह पाया गया है कि खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर होता है, साथ ही ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या में से कम एक तिहाई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव दाखिल कर सकते हैं। नतीजन सदस्यों ने बार बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए, जिससे सरपंच का प्रदर्शन प्रभावित हुआ और अविश्वास के कारण पंचायत के सुचारू कामकाज में बाधा आती रही। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी, हमारे लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में राज्य के सारे नगर पालिका नगर पंचायत में जनता डायरेक्टली जनता से वोटर्स से नगराध्यक्ष का चुनाव होता था। 2017 में ऐसा निर्णय किया था, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट जनता से होता था, उसके सारे रिजल्ट फ्रूटफुल आए। ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर पंचायत में जो अस्थिरता थी वो स्थिरता आ गई। 5 साल में कोई अविश्वास प्रस्ताव का राजनीति वहां नहीं हुई, किसी को तोड़ने ओढ़ने का काम नहीं हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने जब इतना अच्छा निर्णय लिया था तो ये निर्णय बदलने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया और इससे असंतोष तैयार हुआ है, पूरे जनता में काफी रोष है। आने वाले 3 महीने बाद 4 महीना बाद सारे नगर पालिका नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव है। मैं आज एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री माननीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी इनसे डिमांड किए, हमने कहा है, विनती की है, मैंने लेटर भी भेजा है कि हमारे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत और नगर पालिका नगर पंचायत के हमारे नगराध्यक्ष और सरपंच ये सारे जनता से होना चाहिए। जनता को और वोटर्स को लगता है कि मेरा सरपंच मैं चुनूं। इन सभी स्थितियों से बचने और सरपंच को वित्तीय विश्वास के साथ काम करने के साथ साथ ग्राम पंचायत के प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। केंद्र सरकार के सुझाव पर समिति ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का अध्ययन किया और ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्यों और ग्रामीण लोगों के विचारों को समझकर इसके बाद इस समिति द्वारा किया गया। अनुशंसा के अनुसार तत्कालीन सरकार ने 1 सितंबर 2017 को महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण विभाग का राजपत्र जारी किया, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई उस सरकार ने यह निर्णय लिया गया कि सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होना चाहिए, न कि सीधे लोगों से। इस निर्णय से राज्य के निर्वाचित सरपंचों में तीव्र असंतोष है, इसलिए नगर पंचायत और नगर परिषद के नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिए उचित निर्णय लिया जाए, ऐसी मांग बावनकुले द्वारा की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।